हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यह इस ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चोय रियोंग को उसके घर छोड़कर वापस अपने ऑफिस आता है। चोय रियोंग के जाने से बहुत ज्यादा अपसेट होता है। सेक्रेटरी चुई को बताता है कि आपने उसे जाने से रोका क्यों नहीं। चुई कहता है, ऐसा नहीं है। सेक्रेटरी चुई को कहता है, कोई नहीं, आपने रियोंग के लिए इतना सब कुछ किया है, वह जरूर आपकी फीलिंग्स को समझ गई होगी, चिंता मत करो, वह जरूर आपको कॉल करेगी। और चुई से पूछता है, रियोंग ने आपको कहा था कुछ हुआ है इसलिए उसे जाना पड़ा, क्या आपने रियोंग से पूछा क्या हुआ है। चुई को याद आता है, यह पूछना तो वह भूल ही गया है। सेक्रेटरी चुई को बोलता है, कोई नहीं, होता है वन साइडेड लव में अक्सर इंसान बहुत कुछ भूल जाता है और अजीब हरकतें भी करने लग जाता है। इसके बाद अचानक से चुई को सैड सॉन्ग अच्छे लगने लग जाते हैं। चुई रियोंग के जाने के गम में पूरी तरह से पागल हो जाता है और खुद से ही बातें करने लगता है। इवन उसे हर जगह सिर्फ रियोंग ही दिखती है। चुई अचानक से रियोंग के पास जाने के लिए भागता है। चुई का सेक्रेटरी उसे रोकने की कोशिश करता है। चुई उसे कहता है, मुझे जाने दो, मुझे रियोंग से पूछना है अचानक से वह क्यों चली गई और मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने को कहूंगा। यदि मुझे इसके लिए उससे भीख भी मांगनी पड़े तो वह भी मैं करूंगा। सेक्रेटरी चुई को कहता है, जब रियोंग यहाँ थी उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो वहाँ क्यों करेगी। लेकिन चुई सेक्रेटरी को नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है। चुई रियोंग के घर पहुँचता है पर रियोंग वहाँ नहीं होती, घर खाली होता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रियोंग घर छोड़कर जा रही है और अपने डॉग को संभालने के लिए पड़ोसी वाले लड़की को दे देती है। इसके बाद रियोंग चुई को कॉल करने वाली होती है, तभी पड़ोसी आदमी उसे बोलता है, तुम्हें नहीं लगता चुई तुम्हें ट्रैप कर सकता है। रियोंग उसे कहती है, ऐसा नहीं है, चुई एक अच्छा इंसान है। पड़ोसी आदमी उसे कहता है, तुम बहुत भोली भाली हो, इस इंडस्ट्री के सारे लोग मतलबी होते हैं। रियोंग उसे कहती है, मुझे लगता है चुई मुझे पसंद करता है और एक बार उसने कहा भी था तुम प्रीटी हो इसलिए ऐसे कर रही हो। पड़ोसी आदमी उसे कहता है, वह बस तुमसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाना चाहता है इसलिए वह तुम्हें बस फंसा रहा है। रियोंग फोन स्विच ऑफ कर देती है और वहां से चली जाती है। चुई वापस अपने ऑफिस आ जाता है। चुई की सेक्रेटरी ने पता लगा लिया है रियोंग कहां गई है। सेक्रेटरी चुई को बताता है, रियोंग की आंट ने रियोंग से कॉन्टैक्ट कर लिया है। जब उन्हें पता चला कि रियोंग की ग्रैंडफादर मर गए हैं और वह पहाड़ों पर अकेली रहती है तो उन्होंने रियोंग को अपने पास बुला लिया है रहने के लिए। एक अकेली यंग लड़की का पहाड़ों पर रहना सेफ नहीं है। सेक्रेटरी चुई को आगे बोलता है, यह उसके लिए और हमारे लिए अच्छा है, अब वह सेफ रहेगी। इसके बाद चुई दोबारा डॉक्टर के पास जाता है, अपने प्यार की दर्द भरी स्टोरी डॉक्टर को सुनाता है पर डॉक्टर का ध्यान गेम खेलने में होता है। डॉक्टर चुई को बताता है ये वन साइडेड लव है और चुई की ऐसी हालत पर हंसता है क्योंकि जैसा वह चाहता था वैसा हो गया। चुई डॉक्टर को हंसते हुए देख लेता है और उसे कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो। डॉक्टर चुप हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रियोंग भी सियोल में ही रहती है उसकी आंट के साथ और उनके रेस्टरूम में उनकी हेल्प करती है। रियोंग से बात करती है कि वह किसी ट्रिप पर जा रही है। रियोंग कुछ खरीदने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर आती है। चुई भी वहीं हॉस्पिटल से बाहर निकलकर आ रहा होता है। दोनों एक दूसरे के पास से गुजर जाते हैं पर मिल नहीं पाते। इसके बाद चुई रोता है, उसे लगता है क्या सच में रियोंग को कोई आइडिया नहीं है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, क्या यह सिर्फ वन साइडेड लव है। यह सोचकर जोर जोर से रोने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है चुई का डॉक्टर उसे रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है जिसमें रियोंग अपनी आंट के साथ काम करती है। डॉक्टर को हॉस्पिटल से कॉल आता है, चुई उससे मिलने आया है। डॉक्टर सोचता है, आज मैं चुई से बदला लूंगा जो उसने टॉर्चर मुझे किया है। रियोंग डॉक्टर के मुँह से चुई का नाम सुन लेती है। डॉक्टर हॉस्पिटल में चुई के पास पहुँचता है और उसे बहुत कुछ सुनाता है पर चुई उसे एक शब्द नहीं कहता और आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। यह देखकर डॉक्टर उल्टा चुई से माफी मांगता है। इसके बाद चुई वहां से निकल जाता है। रियोंग चुई को जाता हुआ देख लेती है। रियोंग उससे मिलने के लिए उसके पास भागी हुई जाती है
पर वह कोई और आदमी होता है। पीछे से चुई आ रहा होता है, रियोम मुड़ती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इसके बाद दोनों साथ बैठते हैं। चुई फिर से रियोंग से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने की बात करता है। रियोंग चुई को बताती है, मैंने अपने ग्रैंडफादर से प्रॉमिस किया था मैं कभी भी इस लाइन में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी मदर मुझे बचपन में ही इसलिए छोड़कर चली गई थी क्योंकि वह अपना करियर बनाना चाहती थी, जिसकी वजह से मेरे फादर को अपनी लाइफ में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। चुई रियोंग को कहता है, तुमने पहले मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। रियोंग को कहता है, तुम जो करना चाहती हो वो सब करो, अगर कुछ भी काम ना करे तो मेरे पास आ जाना। दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद चुई वापस आ जाता है और अपने सेक्रेटरी को सब कुछ बताता है। तभी रियोंग का कॉल चुई को आता है। रियोंग चुई को अपने घर बुलाती है क्योंकि उसकी आंट ट्रिप पर चली गई है और वह घर पर अकेली है। चुई यह सुनकर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और बहुत कुछ सोच लेता है। चुई तैयार होकर रियोंग के घर पहुंचता है। चुई सोचता है, मुझे लगता था रियोंग 18वीं सदी की लड़की है, पर ये तो काफी बोल्ड है। रियोंग चुई को 9 डिशेस सर्व करती है। चुई उससे पूछता है, क्या तुमने मुझे इसलिए बुलाया था, और फिर बात को टाल देता है और दोनों खाना खाते हैं। इसके बाद रियोंग चुई के लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आती है। चुई रियोंग को कहता है, तुम कितनी अच्छी हो, तुम में एक हाउसवाइफ बनने के सारे गुण हैं। अच्छा खाना बनाती हो, ग्रेसफुल हो, प्रिटी हो, बस तुम मेरी वाइफ नहीं हो। चुई रियोंग को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मेरा गुस्सा एकदम शांत हो जाता है, और मैं तुम्हें बैडली ट्रीट इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यह मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। तभी रियोंग की लैंडलाइन पर एक कॉल आता है। रियोंग कॉल पिक करने जाती है, यह CEO जोंग का कॉल होता है। चुई को यह देखकर और सुनकर गुस्सा आता है। इस रात को रियोंग को CEO जोंग का कॉल आया है और रियोंग का कॉन्टैक्ट नंबर जोंग के पास है। चुई रियोंग को स्टेरी लुक देता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगी बाय बाय।